Hello and assalamu alaikum. This is your host Zohaib from Truly Lost. Or subscribe karo yaar, increase the family yaar. We are almost 160 plus members now. Or main ek baat batata chalun, every subscriber, each one of you who's listening to me, equally important hai mere liye, and you are very important. Thank you so much. To वैसे तो this is just type of video, but मैं थोड़ा background देता चलूँ. अभी हो रहे हैं कोई सुबह के 5:30 हो रहे हैं, एंड क्योंकि मैं 3 बजे तक पढ़ रहा था, फिर मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ, आधा घंटा मैंने थोड़े फॉर्मूले वॉर्मूले पढ़े, हमारा एडमैथ का पेपर है. देन आई थॉट कि इतना फजूल सारा मैं पढ़ा वढ़ा है, फजूल काम किया है, तो नाउ मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिसमें मुझे मज़ा आए, एंड दिस इज़ व्हाट आई एंजॉय टेलिंग यू पीपल द रियलिटी. तो कल मैं लोगों से बात कर रहा था, तो आई वॉन्टेड कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आई वॉन्टेड टू नो दैट. तो मुझे एक टॉपिक मिला जो कि बहुत अच्छा था, एंड दैट वॉज लोग क्या कहेंगे. सो पहले तो मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि दो तरह के पेन्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, एक फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल. अब फिजिकल पेन तो है भाई, अब आपको कोई मार रहा है तो आपको उसको रोकना है, दैट इज कंपल्सरी. लेकिन जो मेंटल पेन होता है ना, वो आपके ही दिमाग में होता है. सही है, सैडनेस इज अ पार्ट ऑफ योर माइंड, मतलब आप वहां से खुद ब खुद सैड हुए जा रहे हो. एक बात बताओ, आपको गालियां दे रहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो गालियां बुरी इसलिए बुरा लग रहा है, नहीं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड देम एंड थिंक देम. अगर तुम्हें कोई जैपनीज में गालियां दे रहा है तो सोचो तुम्हें बुरा लगेगा? अगर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही, तो अगर बुरा गालियों से लग रहा था तो तब क्यों नहीं लग रहा? सही है, बुरा दिमाग में ही है. अब आते हैं कि वापस आते हैं लोग क्या कहेंगे पे. तो भाई देखो, ये जो लोग क्या कहेंगे वाली चीज है ना, इस तुम अब बोलोगे नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे. दिन में 24 घंटे जो तुम कर रहे हो, दैट्स एक्चुअली बेस्ड अपॉन के लोग क्या कहेंगे. आपके पेरेंट्स, बहन भाई, स्कूल के टीचर्स, जो भी हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए. इवन तुम में से जितने लोग हैं, जो चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी बनना चाहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट हैज बीन क्रिएटेड अपॉन देम. सही है, मैं हाईएस्ट ग्रेड्स लाने वालों को बेवकूफ कहता हूँ. व्हाई? क्योंकि मुझे पता है कि नोबडी एंजॉयज वर्किंग हार्ड फॉर ग्रेड्स. मतलब कि अगर सुबह से रात तक पढ़ना पड़ रहा है तो उसमें किसी को भी मजा नहीं आ रहा, नो बडी एट ऑल. तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई और नो पढ़ाई, मतलब बिना पढ़ाई के भी तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो तुम क्या पढ़ाई को चूज करोगे? नहीं करोगे ना. दैट इज बिकॉज पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती. अभी जो टॉप कर रहे हैं ना, हाईएस्ट ला रहे हैं, ये भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये क्या कहते हैं, हाईस लाके दे वॉन्ट टू शो दैट वी आर बेटर फ्रॉम यू ऑल. अब इनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. सही है, लेकिन ये बेवकूफ है. क्यों बेवकूफ है? एक्चुअल में इन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ना, ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ. आई एम हेयर, आप भी यही हो, अगले 10 साल में आके मुझसे मिलना. आई से दैट ग्रेड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, 0% भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. मैं यहीं खड़ा हूँ, 10 साल बाद यू कैन कम एंड मीट मी, एंड फिर वहां पर क्लियर हो जाएगा सब कुछ. सही है. Why am I saying this? क्योंकि मैं मेरे से आगे जो 10 साल बैठे हैं, ये एक दो बंदे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हजारों लोग देखे हैं जिन्होंने हाईएस्ट ग्रेड्स लाए, अच्छे कॉलेजेस में गए, अच्छी यूनिवर्सिटीज में गए, अच्छी जॉब मिली, अब लाइफ तबाह हो गई. क्यों? बिकॉज उन्हें लगता था, आपके दिमाग में एक ड्रीम वर्ल्ड बन चुका है कि भाई खुशी कैसे आएगी, मुझे पढ़ना लिखना है, अभी टॉर्चर सहना है ताकि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, अच्छे कॉलेज में फिर मुझे 2-3 साल टॉर्चर सहना है ताकि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में टॉर्चर सहना है, अच्छी जॉब मिले. ये बताओ, अच्छी जॉब में गए और वहाँ की आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं लग रही, वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, फिर क्या फ़ायदा? क्या ये जो 15-20 साल का टॉर्चर सह के आए हो, ये इसलिए सह के आए हो कि जॉब ऐसी मिले? पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, डेली उठ के जाना पड़ता है, मज़ा नहीं आता. तो आपने लाइफ का किया क्या? आपने अपनी आधी लाइफ बर्बाद की ताकि मैं अपनी आधी अगली को ठीक करूं, और अगली आधी में आपके मतलब आप बेकार चल रही लाइफ, तो क्या करोगे? तो स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक.
क्योंकि ये लोग कहते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम अगर कोई मुझे ये बताओ कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो मुझे जब बच्चा छोटा होता है तो सब उससे बहुत प्यार करते हैं, जब तक वो टेडी बियर जैसा है, सही है ना, जब गोद में है तब तक सब माँ बाप सब प्यार कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे इसको कुछ बनाना है, ये क्यों हुआ, माँ बाप पे दुनिया का प्रेशर है कि इनका बच्चा क्या करता है क्या करता है क्या नहीं करता। अब आपके माँ बाप आपको स्कूल में डालेंगे, स्कूल में आपके ऊपर पूरे एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर है जो कि बेकार है। एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉप, बेकार एजुकेशन सिस्टम है, कुछ भी नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। वो आप पे मेंस प्रेशर डालेगा, फिर आपके पेरेंट्स आप पे मेंस प्रेशर डालेंगे, तुम्हारा भाई इतना पढ़ता है, तुम्हारी बहन इतनी पढ़ती है, तुम ये नहीं कर पाए, वो इतना करता है, उसका बेटा ये कर गया, उसकी बेटी ने इतने नंबर लाए, तो इन द एंड आपकी लाइफ तबाह हो जानी है। सही। अब इस सब को काउंटर करने के लिए आपको चाहिए राइट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदार बनने की जरूरत है। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूं और मेरी हर वीडियो का सबका मोटिव भी यही है कि आप समझदार बनो। अब समझदार बनने के लिए क्या चाहिए होता है, रियलिटी को एज इट इज देखना, सही है, जो है जैसा है परफेक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं करना। इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज ऑल राइट, बट उस इंप्रूवमेंट में मेरे को कुछ मिलना नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग आराम से सिंपल से, और जाऊंगा मैं, सही है। अब लोगों को क्योंकि लगता है कि मुझे ये जो भी ये हाईएस्ट वाइस ला रहे हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है, और ये इनको लगता है कि हम लोग हाईएस्ट लाते हैं तो खुद को दूसरों से बेटर प्रूफ करते हैं, दैट इज अ बिग सेटिस्फैक्शन। बट मैं अपने पिछले 2-3 साल में ना, मैं पीछे के 10 साल के जो भी बैच हैं और आगे के 10 साल के जो भी बैच थे, मैंने सबकी फेलियर्स कामयाबियां वामयाबियां सब देख ली, और मुझे पता है कि इफ यू डू नॉट इंजॉय समथिंग इन लाइफ देन आपकी पढ़ाई इज फजूल। अब पता है यहाँ पे ना लोगों को, आप ही अम्मा अब्बा को भी ना डॉक्टर इंजीनियर या इन सब, आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, आपको अच्छे कॉलेज से अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है ताकि आप ज्यादा पैसे कमाओ। अब उनको ये नहीं पता कि ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी लोग जो है ना, लोग कहना बंद नहीं करते, कम पैसे तो आप गरीब बोलेंगे, ज्यादा पैसे हैं तो बोलेंगे कि कोई जरूर कोई गलत काम कर रहा है, तब इसके पास बहुत पैसा है, समझे। अगर आप दुनिया को शो करने के लिए काम करते जाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। मेक योर सेल्फ हैप्पी, मैं एकदम फियरलेस हूं, आज मैं एकदम खुश हूं, वाई, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव। आप कहते हैं ये कौन सा बड़ा काम है भाई, जब मैं व्हेन आई एम अगेंस्ट तुम्हारे पेरेंट्स के 40 40 50 50 साल के एक्सपीरियंस के अगेंस्ट हूं, मैं तुम्हारे टीचर्स के 30 30 40 30 30 40 बोला 20 20 साल के एक्सपीरियंस के अगेंस्ट हूं मैं, जो जो बड़े बैठे हैं दादा दादियां सबके एक्सपीरियंस के अगेंस्ट हूं मैं, इज इट इजी टू स्टैंड अप टू ऑल दोस पीपल एंड से दैट यू आर रॉन्ग। एज क्या है मेरी, अभी 16 एज है, व्हाट विल पीपल से, बच्चा है ये वो बातें करेंगे, बट आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूं, जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वो सही हो। एक बंदे की तुम्हें पता है एज कौन सी होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा मेच्योर और समझदार होता है, कौन सी होती है, तुम कहोगे 40 50 60, नहीं, जिसकी उम्र जितनी ज्यादा वो सबसे बड़ा बेवकूफ। वाई, क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग बिल्कुल जाके ऐसी हुई जैसी दुनिया सोचती है, पता है जैसा मैं सोचता हूँ मेरे माँ बाप क्यों नहीं सोचते, बिकॉज उनकी वो 40 साल का एक्सपीरियंस जो उनके दिमाग में बैठ गया है वो वही सोचेंगे। दैट डे आई हैड अ फाइट विद माय फादर, तो मैंने उनको कहा कि आपका 40 साल का एक्सपीरियंस मैं 4 दिन में नहीं बदल सकता, समझे। और सब जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, टिल द एज ऑफ यू कैन से 10 ईयर्स, ही इज द मोस्ट मेच्योर, उसको सबसे ज्यादा समझ होती है। वाई, बिकॉज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। अब छोटे बच्चे को आप कहोगे कि बेटा ये नहीं फेंकना नहीं फेंकना, मैं नई चीजें नहीं फेंकना, दे के फेंक देगा, तो उसने आपकी बात सुनी नहीं, इज फुल ऑफ एनर्जी, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई उसको क्या बोल रहा है, जबकि आप 20 साल के बाद, नहीं यार अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। आपका दिमाग बिल्कुल तबाह हो चुका है, इसलिए स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट व्हाट पीपल थिंक, अपने आप को कुछ करने के लिए करो यार, मैंने बोला नॉलेज हासिल करो यार, एजुकेशन तो हासिल करो, देन सी कि आपकी लाइफ कैसे बेहतरीन हो जाती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कुछ उखाड़ नहीं लिया उन्होंने जिन्होंने ग्रेड्स ग्रेड्स ले आए, तो स्टॉप टॉर्चरिंग योर सेल्फ
फॉर गेटिंग द हाइएस्ट ग्रेड्स, क्योंकि खुशी नहीं मिलेगी यार उससे। हाइएस्ट ग्रेड्स लाने से वो 5 मिनट की सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन अगर बच्चा आपका 90 भी ले आए ना, तो आप उसको बोलोगे नहीं बेटा 92 लाया करो। उससे सोचो वो जो फेल हो रहा है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू पास, उसकी सोचो आपका बेटा 90 ला रहा है, नहीं आप 92 लाओ ना, सबसे ऊपर होने चाहिए। क्या आपको लगता है कितने बच्चे एजुकेशन सिस्टम में, क्या सबसे ऊपर हो सकते हो? सबसे ऊपर हो सकते हो वो भी एक ईयर में हो ना, अगले साल कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आ जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए कंपटीशन कम कर दो यार। स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन कंपटीशन। स्टॉप कंपीटिंग विद अदर्स, स्टार्ट कंपीटिंग विद योरसेल्फ एज आई एम डूइंग। मेरे मेरा मेरे जो नंबर आएंगे दैट विल डिटरमाइन हाउ विल आई वर्क नेक्स्ट टाइम। आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द पास्ट मी, और अगर नंबर कम भी आए आई डोंट गिव अ फक, बिकॉज लास्ट ईयर ना मैं यूट्यूब पे था, लास्ट ईयर ना मेरी सिंगिंग में इतनी इंप्रूवमेंट आई थी, लास्ट ईयर ना मैं इतना बोल रहा था, लास्ट ईयर ना मैं खाना इतना अच्छा पकाता था। आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, इसीलिए आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वी हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आर सेल्फ, बट वी ऑलरेडी आर द बेस्ट वर्जन ऑफ आर सेल्फ। इसलिए प्रेशर, नो प्रेशर, टेक नो प्रेशर, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, समझदार बनो, कूल रहो, चिल करो और स्ट्रेस खत्म कर दो। दिस इज योर होस्ट ज़ोएब साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रूली लॉस्ट।